बिहार के देवघर में एक सड़क पर खड़े एक ट्रक में कुछ लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। बताया गया कि वहां एक गाड़ी और ट्रक की टक्कर से हुई दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने वहां हंगामा कर दिया और कुछ लोग ट्रक पर पत्थर फेंकने लगे। वहीं कुछ लोगों ने ट्रक पर चढ़कर उसमें तोड़फोड़ की तो एक आदमी ने ट्रक के टायर की हवा निकाल दी। दावा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी बुरी तरह टूट फूट गई, जबकि हादसे में मारे गए लोगों के शव भी सड़क पर काफी देर तक पड़े रहे। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही लोगों ने ट्रक में ले जाए जा रहे खाने पीने के सामान को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को सामान की चोरी करने से रोका। हंगामे के समय सड़क पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस बीच लोगों ने ट्रक ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मध्य प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों की पेंशन को अस्थायी तौर पर बंद करने के फैसले पर सियासत गर्मा गई। राज्य सरकार के मुताबिक जांच के बाद ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा जो पेंशन लेने के हकदार नहीं। लेकिन बीजेपी को कमलनाथ सरकार के फैसले में बदले की भावना नजर आई और पार्टी ने आपातकाल के दौरान आम लोगों पर हुई ज्यादतियों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पेंशन रुकवाने से वो काला धब्बा कांग्रेस के इतिहास पर या कांग्रेस के पन्ने से या कांग्रेस के चेहरे पर या फिर कमलनाथ जी के चेहरे पर और जिस पार्टी में वो जुड़े हैं वो मिट जाएगा, ये असंभव है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर पेंशन के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही करार दिया। मीसा बंदी के पेंशन के नाम पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटी है। पता लगा वो कार्यकर्ता मीसा जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब 10 साल का था, तो एक उसकी एक जांच होना अति आवश्यक है। यूपी के आगरा में किसान ने अपनी आलू की फसल बेचने के बाद मिले 490 रुपए पीएम को मनी ऑर्डर के जरिए भेज दिए। खेती में हुए नुकसान से निराश किसान के इस कदम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम पर निशाना साधा। जबकि प्रदीप शर्मा नाम के किसान ने अपनी बदहाली पर दुख जाहिर किया। किसान का दावा है कि उसने कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुई आलू की 9 क्विंटल फसल को मंडी में बेचा, लेकिन बचत के तौर पर उसे महज 490 रुपए हासिल हुए, जिससे बुरी तरह निराश हो गया। प्रधानमंत्री जी आप ही ले लो, देश के लिए कुछ लग जाए पैसा, हम तो मरना है जीना है तो हम छोड़ दिए, किसानों की सुनने वाला नहीं है। किसान का दावा है कि खेती की वजह से उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया। किसान ने सरकार से किसानों की हालत सुधारने की उम्मीद जताते हुए आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे दी। इतना ही नहीं, प्रदीप शर्मा ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी सरकार होने का भी आरोप मढ़ दिया। कि किसान के पीएम को 490 रुपए के मनी ऑर्डर भेजने वाले इस मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी के राज में किसानों को 90,000 की लागत के बाद सिर्फ 490 रुपए मिल रहे हैं। एक तरफ पीएम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने सूझबूझ वाले साथियों को फसल बीमा के नाम पर लूट का लाइसेंस देकर किसानों की कमर टूटते हुए बेफिक्र होकर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनआईए की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए देसी रॉकेट लॉन्चर पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई रॉकेट लॉन्चर कश्मीर के आतंकियों को भी सप्लाई किए जाते थे। यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया गया सईद केवल 10,000 से 12,000 रुपए में रॉकेट लॉन्चर तैयार कर देता था और फिर इन तैयार हथियारों को आतंकी संगठन हरकतुल हरबे इस्लाम के मास्टरमाइंड मुफ्ती सोहेल को 20,000 से 25,000 रुपए में बेच देता था, जिसके बाद इरशाद नाम के एक ऑटो ड्राइवर के जरिए ये रॉकेट लॉन्चर दिल्ली के जाफराबाद पहुंचा दिए जाते थे। दिल्ली से ही ये देसी रॉकेट लॉन्चर कश्मीर के आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे, जिसके लिए उनसे 1 से 1.5 लाख रुपए तक लिए जाते थे। दिल्ली के मोती नगर इलाके की एक फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी और पुलिस वाले राहत और बचाव के काम में जुट गए। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पंखों की रंगाई का काम चल रहा था, तभी एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने से छत और एक दीवार गिर गई। क्या हुआ था सर? नाश्ता लाने गए थे, वो गैस थोड़ा फट गया था। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी को अंधेरे की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और उन लोगों ने टॉर्च की रोशनी में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। आप ये जो देखे यहाँ पर बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर का जो पोर्शन है वो कोलैप्स हुआ है, 7 अब तक जो है उसमें अभी डेथ है। क्या उसमें डेथ में कोई महिलाएं भी है? नहीं, उसमें कोई महिलाएं, सारे जेंट्स हैं, मेल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर रामपुर और लखनऊ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों के मुताबिक आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला खान का रामपुर से एक, जबकि
2015 में लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। पुलिस ने आजम खान और उनके परिवार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मैंने जो शिकायत की गई थी तो बिल्कुल सही पाई गई और उस पर आज थानागंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर कि ऐसे किए गए कृत्य पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसमें तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 420, 467, 468, 471 ऐसी संबंधित धाराएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है कि विराट कोहली को मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा खिलाया जाए। अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर विराट कोहली कुछ दिन से नॉनवेज खाना छोड़ चुके हैं, जिसकी खबर मिलते ही झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बीसीसीआई को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में विराट कोहली को अपने खाने में देसी कड़कनाथ मुर्गे को शामिल करने की सलाह दी गई। चिट्ठी में बीसीसीआई से कहा गया कि नॉनवेज खाने वाले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को कड़कनाथ मुर्गा खिलाया जाए। जब पूरे विश्व में और पूरे देश में इसकी मांग बढ़ रही है तो यदि वो उसको किसी भी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करें तो निश्चित ही ये हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छा होगा और देश का नाम भी ऊपर आगे जाएगा और उनकी ताकत बढ़ेगी। कड़कनाथ मुर्गे के जीआई टैग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरे मुर्गों के मुकाबले कड़कनाथ मुर्गा खिलाड़ियों के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1.5% से 2.5% तक ही फैट होता है, जो कि दूसरे मुर्गों के मुकाबले काफी कम है। जबकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 21 से 24% तक होती है, जो कि मुर्गों की दूसरी प्रजातियों से काफी ज्यादा है। कड़कनाथ मुर्गे में आयरन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इस मुर्गे का रंग काला होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि इस मुर्गे से शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरस भी मिल जाते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से कड़कनाथ मुर्गे की कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा होती है। बिहार के मनेर से तेज प्रताप यादव ने अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। साथ ही तेज प्रताप ने ऐलान किया कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती ही उम्मीदवार होंगी। हालांकि अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। इसके बावजूद तेज प्रताप ने बहन मीसा भारती के लिए मनेर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले तेज प्रताप यादव ने बहन की जीत के लिए मनेर में दरगाह पर मत्था टेका। इसके बाद तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव के अंदाज में लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। बहन के लिए हमने दुआ मांगा है और उनके लिए पूरा कैंपेन करना है, पूरा वोट मांगना है उनके लिए, उनको यहाँ से जिता करके भेजना है दिल्ली में। न्यूज 18 से बातचीत में तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र के पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने के दावे को खारिज कर दिया। जो आपके यहाँ के विधायक है जो भाई वीरेंद्र, अरे उनका कोई हैसियत थोड़ा है, उनका यहाँ क्या हैसियत है? मीसा भारती जी का हैसियत है यहाँ पे, लालू एंड फैमिली का हैसियत है। तेज प्रताप यादव इस वक्त जनता दरबार लगाकर लोगों से लगातार मिल रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव के हमले पर भाई वीरेंद्र ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि लालू यादव के कहने पर वो चुनाव लड़ने को तैयार थे। हमारे आदरणीय नेता अगर लालू प्रसाद यादव जी का आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं आदेश होगा पार्टी का जिसको भी दे देंगे एबीसीडी किसी को भी, मैं उसके लिए जान लगा दूंगा, चुनाव जिता दूंगा। हालांकि तेज प्रताप यादव के ऐलान के बाद उनके भाई तेजस्वी यादव ने साफ किया कि पाटलिपुत्र से कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष लालू यादव करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर जो आखिरी निर्णय जो होता है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, कौन होगा नहीं होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। मीसा जी पहले चुनाव लड़ चुकी थी और देखते हैं आगे जो पार्टी का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, मान्य होगा सबको। इसराइल के वेस्ट बैंक में एक गैर कानूनी बस्ती में बसे लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश का कड़ा विरोध किया। यहूदी लोगों की ये बस्ती फिलिस्तीन के लोगों की जमीन पर बनी थी, इसीलिए पुलिस ने उन्हें हटाने की कार्रवाई की। लेकिन जब पुलिस वाले उन्हें हटाने लगे तो वहां बसे यहूदी एक इमारत के फर्श पर बैठकर उनका विरोध करने लगे। विरोध के बावजूद पुलिस वालों ने उन्हें वहां से घसीट कर ले जाना शुरू कर दिया। उन्हें बाहर निकालने के बाद पुलिस वालों ने बहुत से लोगों के हाथ और पैर पकड़कर उन्हें हवा में टांग लिया। इसके बाद एक एक कर उन लोगों को सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के पास ले जाया गया। कई घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी बस्ती को खाली करा लिया, लेकिन इस दौरान बहुत से पुलिस वाले घायल भी हो गए। बिहार के सुपौल में एक सरकारी अस्पताल के गेट पर मरीज को लेकर पहुंची एम्बुलेंस को वहां हड़ताल में शामिल आशा कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। पिछले 33 दिनों से जारी आशा कार्यकर्ताओं की इस हड़ताल से मरीजों की परेशानी और भी बढ़ गई।
जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं के तेवर और सख्त हो गए और वो राघोपुर के सरकारी अस्पताल के मेन गेट का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। इस बीच मरीज को लेकर अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस को भी अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से उनका वेतन बढ़ाने और पक्की नौकरी की अपनी मांग दोहराई। राज हो या केंद्र हो, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का रूप में दर्जा दिया जाए। और तीसरी मांग ये है, जितना और कर्मचारी को मिल रहा फैसिलिटी, उतना सरकारी कर्मचारी को उतना हम लोगों को फैसिलिटी दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने उनकी हड़ताल को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की। दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल की नकल रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। श्रीनगर में कारोबारी नकली पश्मीना से परेशान है, इसलिए असली पश्मीना शॉल बनाने वाले कारीगर इन पर खास तरह के टैग लगा रहे हैं। यानी जब तक शॉल पर यह टैग नहीं होगा, इसे असली पश्मीना नहीं माना जाएगा। लेकिन इस टैग की जानकारी अब दुनिया भर में पश्मीना शॉल खरीदने वाले लोगों तक पहुंचाना एक चुनौती है। अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाती नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो कस्टमर को पूरी तरह से पता चल जाता कि असली शॉल असली पश्मीना शॉल है क्या। पश्मीना शॉल बनाने वाले इन कारीगरों ने दावा किया कि मशीनों की मदद से बनाई जाने वाली शॉल की वजह से उनका रोजगार काफी कम हो गया। जो स्पिनिंग करती है लेडीज, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो पहले क्या करती थी, इसी से अपने बच्चे को पढ़ाती थी, अपना घर चलाती थी, लेकिन आज उसके पास रोजगार ही छिन गया। पश्मीना शॉल हाथों से बनाई जाती है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनों से शॉल बनाती जो कम कीमत पर बेची जाती, लेकिन वो असली पश्मीना नहीं होती। इसलिए अब सरकार ने असली पश्मीना की पहचान जीआई टैग से करने का फैसला लिया है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन चीजों पर लगाया जाता है जिसकी शुरुआत किसी खास जगह पर ही हुई हो। यानी पश्मीना पर श्रीनगर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में ही पश्मीना बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। केवल ये टैग मिलने भर से ही जम्मू कश्मीर के पश्मीना बनाने वाले कारीगरों का काम फिर गुलजार होने की उम्मीद जगी। जीआई टैग के लिए राज्य सरकार के आवेदन के बाद केंद्र सरकार उससे जुड़ी जांच करती है और जांच में दावा सही पाए जाने के बाद जीआई टैग जारी किया जाता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि नकली पश्मीना बनाने वाले लोग भी अगर इस टैग को शॉल पर चिपकाने लगेंगे तो उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।